विपुल प्रेम निज नैन बहु कहि सुज सुविहारिनि बाहु गुर सेवक वो बिंदु मिलो गुरु गोविंद श्री विहारि श्री हरिदास जीवत बिगरी समार के मेरी कुंज विहारी और सो को अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो श्री कुंज विहार लाड़ी तुम ते सब कुछ मैं तेरी हूँ नागरी तू जान नदी जो जगत में परिश्रम जो विगरे गिरावरी हुई ताते तुम शांत है भूल छुड़ाओ लाड़ली समझ दियो यह बात तिहारे हाथ है मेरी लाज लाड़ली तो ही सभी तिहारे हाथ बिहारी दास पवनानगत तुमरे चरण कमल श्री बिहारी दास पवनानगत तुमरे चरण मोहि भरोसा स्वामी जो मोहि भरोसा मोहि भरोसा स्वामी जो करी है अपनों आप बरोवर प्राण आधार प्राण
मेरे बिहारी जूको स्वामी मोहे भरोसो स्वामी से बासना जारी के से स्वामी जी विराजे होते हैं तो बिहारी विहारन स्वयं ही विराज जाते हैं, बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही विराज जाते हैं। और संसार से उदासता हो जाती है सहज, और लगे सब ठीक हो। बिहारदास सियरदास के संसार से उदास सहज उदासता हो जाती है, उपरांता हो जाती है। रसिक बिहारी बिहारी तन मन और लगे सब को और लगे सब को स्वामी जी महाराज, बिहारी जी महाराज। अशेष चक्र चूड़ामणि
महामधुर रसार प्रकाशक स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमलन में जिन बड़भागिन को मन लग गयो, करी हैं अपनो आप बरोबर। अभी सुना ना, अपने बरोबर ही बना लेने प्राण आधार हैं पी को, क्योंकि बिहारी बिहारिन के भी प्राण आधार हैं स्वामी, प्राण आधार हैं पी को। डरते हैं कि विषय वासना में रत, विषय वासना जार खेकर ऐसे उदार हैं, सर्वोपर वस्तु प्रदान करे हैं और विषय वासनाओं को जार के समाप्त कर देंगे। विषय वासना जार खेकर, खेमाने राख को ढेर, उपजे है हित नी को, हृदय कमल में हित की भावना को प्रादुर्भाव हो जावे है। हित की भावना किसको कहते हैं? जो कछु कियो सो लाडली, लाडली करे सो हो, लाडली करे सो हो गो निर्भय हुए तुसो। अपनो बल न हो, इष्ट का बल हो। जो कछु हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आवे, उनको सहज इष्ट को प्रसाद मान के स्वीकार करें। सुखी दुखी शनि कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय। सुख में दुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में सभी स्थितियों में सम रहे, उनकी कृपा से संभव है। यदि कहना तो सरल है लेकिन इस स्थिति में जीना उनकी कृपा से संभव है प्रेमी जनों। लेकिन ये नहीं का संभव है, अवश्य उनकी कृपा से सब कुछ संभव। कहें शिरदास कर्ता किया सो हुआ, सुमेरहु अचल चला। बिहार जी महाराज की जब कृपा हो गए तो अचल सुमेरु पर्वत भी चलायमान हो जाते, असंभव कुछ नहीं है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्म ही नर पावत नाहीं। असंभव होता तो प्रेमी जनों वृंदावन धाम के तुमको दर्शन भी नहीं होते, बिहारी जी के दर्शन नहीं होते, ये श्री अरदास नाम श्रवण करने को नहीं मिलता। ये सब सोच जो स्वामी जी ने बनाई है, ये नित्य वस्तु को प्रदान करने के लिए बनाई है। भारत भूमि में जन्म होना बहुत कृपा की बात है। पहली बात तो मनुष्य जन्म होना, अनंत योनियाँ हैं, कीड़ा मकोड़े हाथी घोड़े सभी योनियों को पार करके उनकी कृपा से मनुष्य जन्म होना, और मनुष्य जन्म भी भारत में होना, और भारत में भी ब्रजमंडल में होना, और ब्रजमंडल में भी वृंदावन जी से संबंध होना, और वृंदावन में भी बांके बिहारी जी और स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अनन्य प्रेम होना। बोलो बिहारी जी महाराज, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो ये बात बन चुकी है, थाली में भोजन परोसा हुआ है, सामने आसन भी बिछा हुआ है, थाली लगी हुई है, भोजन परोसा हुआ है, जल का लोटा भी रखा है, सब कुछ पाना तो तुमको ही पड़ेगा। बोलो बिहारी जी महाराज, सारी सौंझ बन गई है, वृंदावन धाम मिल गए, इसके बाद भी चैतन्यता अगर नहीं आती है तो ये अपना कसूर है, इष्ट की बहुत बड़ी कृपा है। एक एक क्षण का, एक एक कण का मूल्य हमको समझना है। एक एक क्षण, एक क्षण चला गया, एक मिनट एक घंटा चला गया, वो दोबारा वापस नहीं आता है। तो इन घंटा मिनट क्षण पल इन सब को हरि के संबंध में बितावे, यही मनुष्य जन्म की उपलब्धि है। अगर मनुष्य जन्म से खिलवाड़ कर दिया तो दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलता है।
हरिबिन कूकर सूकर हुए। आचार्य जन कहते हैं हरि के चरणों में अनुराग नहीं करोगे अनन्य अनुराग तो निश्चित ही कुत्ता गधा सुअर की योनि प्राप्त होती है, कोई रोग नहीं सकता है। और हरि का भजन करेंगे, मान लीजिए बिहार जी समझ में नहीं आते हैं, बाकी बिहार जी महाराज का रस रहस्य, स्वामी हरदास जी महाराज का रस रहस्य सर्वोपर है, बड़ा गूढ़ है, ये समझ में नहीं आता है, भैया भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेम कर ले बहुत अच्छी बात है। भगवान कृष्ण जी समझ में नहीं आते हैं, भगवान राम जी से प्रेम कर ले, भगवान राम जी समझ में नहीं आते हैं, भगवान विष्णु से प्रेम कर ले, 24 अवतारों में किसी न किसी भगवत स्वरूप से प्रेम कर ले, अच्छा है। और बिहारी जी जिनकी समझ में आ गई, ओहो कहना ही क्या है, रसिक अनन्य का है वो, वाह बिहारी प्रेमी जनों, स्वामी जी महाराज की उदारता कितनी है, वृंदावन धाम मिले और ये सुनने को नाम मिला, पायो हरिधन नाम और मेरी कहा चाहिए, और श्री वृंदावन धाम और मेरी कहा चाहिए। ये श्री हरदास नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये अमृत स्वरूप है, अमृत कहना भी छोटा हो जाता है, लेकिन और कहें कहा, श्री हरदास नाम ने अमृत सब मंत्रन को सारा, ये सभी मंत्रों का सार स्वरूप है और श्री हरदास नाम साक्षात अमृत स्वरूप है। आगम वेद पुराण पुकारे श्री गुरु रूप, सभी वेद पुराण शास्त्र श्री हरदास नाम की महिमा कहते कहते थकित नहीं होते हैं। सुजस श्री हरदास को श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरदास गुण नाम भाकों, नासिका सह श्री हरदास सौरभ स्तन, मनस श्री हरदास निस दोष आँखों, जय श्री वर बिहारिंदा श्री हरदास विपुल बल, सकल लोक विद विषम नाखों, धन्य सोई शीश श्री हरदास चरण बंदन करे, नैन श्री हरदास के रूप राखों। बोलो स्वामी जी, अपनी सकल इंद्रियों को श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करना ही इस मनुष्य जन्म की सर्वोपर उपलब्धि है। बोलो स्वामी जो मन मेरी भाजिले श्री कुंज बिहार। बोलो सभी प्रेमजन श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। मन मेरे भाजिले श्री कुंज बिहार, मन मेरे भाजिले श्री कुंज बिहारी श्री हरदास नाम, ये सर्वोपर नाम है। या नाम को जा बड़ भागी ने हृदय को हार बनाए लियो और कछु बाकी नहीं रहो। पीताम्बर देव जी महाराज कहते हैं बांके की बांकी झांकी कर बाकी रही कहा है, या बांके की झांकी करके और बाकी कुछ रहा ही नहीं। मन मेरे बाजी ले श्री कुंज बिहारी, सब सुख सागर रूपयों जागर, सब सुख सागर रूपयों जागर, ये बिहार जी महाराज सभी सुखों के सागर स्वरूप हैं। सब सुख सागर रूप उजागर,
जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, वृंदावन चंद की, समस्त आचार्य वृंदन की, गुरुदेव शरणारविंद की, रंगीले बिहारी विहारन की, रंगीली प्रिया बिहारी विहारन की, आज की नौका विहार महोत्सव की। प्रेमी जनों ने आज यमुना जी में नौका विहार बड़े प्रेम के साथ ये उत्सव संपन्न किया, और YouTube के माध्यम से प्रेमी जनों ने जहाँ हैं वहाँ वहाँ भी देखा, बड़ा आनंद आया। सभी रसिक प्रेमी जनों बड़े भाव से, पहले तो यमुना जी के किनारे बैठ के ही हुआ था बिहारी जी महाराज के लताओं में, उसके बाद में फिर यमुना में नौका में, तो बड़ा आनंद आया भोर काल में। ये बिहारी जी की कृपा से ऐसा सौभाग्य और ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसे समय में इस तरीके से ये कार्यक्रम होना, करना, उत्सव होना, ये उनकी कृपा से ही संभव है। इस जीव की कोई सामर्थ्य नहीं। बोलो स्वामी जी महाराज।